मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की अपील से शुरू की गई थी। थीम आधारित पर्यटन राज्यों को उनके स्वयं के ODOP एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनके सपने को साकार करने में मदद करने के लिए हमने कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। मैं प्रमोद अग्रहरी, अध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत। प्रमोद जी, किस तरह की ये चर्चा चल रही है, क्या ये अभी तक देखने को मिला? भारत सरकार के द्वारा आज बजट पेश किया जा रहा है। आज पूरे देश के लोगों की नज़र TV पर है और इस बात पे है कि व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं व्यापारियों को दिया जा रहा है, इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं और सारे लोग एकाग्रचित्त होकर के बहुत ही संयम के साथ अपने अपने TV के सामने बैठ करके आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और सुन रहे हैं। क्या व्यापारियों को कितना लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या देखने को मिला? इस बार के बजट से व्यापारियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा क्योंकि बहुत ही सूझबूझ के साथ इस बार का बजट पेश किया जा रहा है और इस बजट को पेश करने में समझ लीजिए कि पूरी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से कह लीजिए कि इसका पूरा परीक्षण करने के बाद आज का बजट पेश किया जा रहा है ताकि हर वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ मिले, सरकार की ऐसी मंशा है। लगभग सभी चीज़ों पर ये चल रहा है चर्चा? जी, सभी चीज़ों पर चर्चा चल रहा है और घरेलू ले लीजिए, कृषि ले लीजिए, हेल्थ को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, सभी चीज़ों पर सरकार कुछ न कुछ अच्छा कार्य करके इस बार के बजट में सबको लुभाने का कार्य कर रही है। मैं सविता सिंह, अध्यक्ष पूर्वांचल मेला व्यापार मंडल। सविता जी, आज बजट पेश हो रहा है, आप भी व्यापार मंडल से जुड़ी हो, तो कितना लाभकारी योजना है इस बार? इस बार तो बजट जो दिखाया जा रहा है लाइव, हम लोग अभी देख ही रहे हैं, तो पिछली बार के रिकॉर्डिंग इस बार बजट थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है। उसमें कृषि में, हेल्थ में, बुनकर लोग जो बनारसी साड़ी का था उसको भी लेके राजस्थान में, जैसा कि बताए हैं अभी कि जैसे बनारस में क्रेज था वैसे राजस्थान में भी होने जा रहा है, और महिलाओं के लिए 2025 तक सम्मान योजना भी रहेगा और महिलाओं के लिए अच्छी बजट भी आएगी, उम्मीदें यही है कि अच्छी है, लाभ मिलेगा व्यापारियों को। अब भाई बजट तो दिखाया जा रहा है, अब लाभ मिल जाए महिलाओं को, व्यापारियों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।